अपने नियमितकरण और बर्खास्त हुए कर्मचारियों की वापसी की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के लिए कामना की और उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। विगत कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए थे, जिसको लेकर शनिवार को कर्मचारियों का दल मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल पहुंचा और अपनी मांगे रखी, जिसके चलते इंदौर में साथी कर्मचारियों ने सद्बुद्धि हवन किया। जानकारी देते हुए बताया कि इकाई दिनों से हड़ताल जारी है, कोई निर्णय नहीं निकला, जिसको लेकर सद्बुद्धि हवन किया गया। पोलियो अभियान में कर्मचारी की कमी रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी। यज्ञ और पूजन पाठ के जरिए भगवान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और वह हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, 20 दिन से एक लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं हड़ताल पे, और शासन की तरफ से हमें कुछ भी अभी तक उपयुक्त आश्वासन या उपयुक्त हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के CHMO का कहना है कि पोलियो अभियान के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, जिसमें पंचायत, निगम और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, सिर्फ रूटीन काम प्रभावित होंगे। 11, 12, 13 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण होना है, इसकी हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। कल परसों ही हम लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ DTF बैठक की, जिसमें सारे डिपार्टमेंट को सहयोग की अपील की है और सभी डिपार्टमेंट इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी कार्यालय में हमारी सारी टीम बैठी हुई है, हम लोग पूरे ज़िले का रिव्यू किया है, अभी किया है, और सारे ज़िले में हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स और जो लोग स्टाफ हड़ताल में नहीं है, वो सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कल किसी भी तरह का पल्स पोलियो अभियान में व्यवधान ना आए और हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। यह शासन स्तर का मामला है, तो उनकी शासन स्तर पर बात चल रही है, लोकल मामला नहीं है, पर लोकल हम लोगों ने थोड़ा सा समझाया है, पर उसका कोई असर नहीं हुआ।